से लोग आए, इसलिए मैं लगता है कि मुझे बताना आवश्यक है कि 28 अक्टूबर 2020 अंतिम शुक्रवार था उस महीने का अक्टूबर का, तो अपनी आंखों के सामने मैंने 217 ट्रकों में फाइल श्रीनगर से जम्मू जाते हुए खुद देखी थी। वहां से यात्रा हमारी प्रारंभ हुई और आज हम डिजिटल पंचायत की भी बात कर रहे हैं, कर नहीं रहे, केवल बात नहीं कर रहे, इसको जमीन पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं। 700 से ज्यादा सर्विसेस ऑनलाइन जम्मू कश्मीर प्रशासन ने करनी है और हम कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट की जितनी भी सर्विसेस हैं उन्हें ऑटो एस्केलेशन मोड में कर दिया जाए, लगभग कर दी गई है और वो महीने भर में पूरी तरह से स्टेबलाइज हो जाएंगे। प्रयास काफी हुआ है, एक यहाँ बड़ी कठिनाई थी लैंड रिकॉर्ड्स की बिजोड़ी, उसको ठीक करने में काफी बिजोड़ी की भूमिका रही है। मुझे याद है कि यहाँ का पटवारी कलेक्टर से ज्यादा ताकतवर होता था, वही पूरा प्रशासन चलाता था, क्योंकि 250 लोग थे, वही पढ़ना जानते थे लैंड का। अब लैंड डिजिटाइजेशन के बाद हिंदी अंग्रेजी और उर्दू में पासबुक मिलने के बाद मैं समझता हूँ कि जो असली मालिक हैं जमीन के वो ताकतवर हुए हैं। और मैं कई बार कहता हूँ कि अगर महाभारत के काल में भी लैंड का डिजिटाइजेशन हो गया होता तो इतना बड़ा युद्ध न होता, क्योंकि पांडव तो पांच ही गांव मान रहे थे। भगवान कृष्ण जैसा आदमी पांच गांव का फैसला न कर पाता, ये सोचने की बात नहीं है, लेकिन उस समय भी इसी के कारण दिक्कत हुई। और जिन श्री लाल शुक्ल का मैं नाम ले रहा था, वो राज दरबारी में एक पात्र है लंगड़ा, लंगड़ा मरे जिसका पैर खराब है, तो एक ही पैर से वो लंगड़ था, उसको बेचारे को रेवेन्यू रिकॉर्ड लेना था। वो तहसील के चक्कर लगाते लगाते डॉक्टर ने कहा कि दूसरा पैर खराब होने वाला, तो तहसील जाना बंद कर दिया। ये परेशानियां लोगों ने झेली है देश में और यहाँ भी। मैं भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय का मंत्री जी का, उप राज्य मंत्री जी का और भारत सरकार के सभी अधिकारियों का आभारी कि आप सबने जम्मू कश्मीर के विकास में भी, अभी मंत्री जी ने 1,95,500 सही कह रहा हूँ योजना के लिए उनको सरकारी जमीन दी जाए। 2011 के सेंसस के आधार पर सूची बनी, आवास प्लस कैंप लगा करके जो लोग छूट गए थे आवास प्लस में उनका नाम जोड़ा गया। लेकिन अब गरीब आदमी को जमीन मिल जाए, उसका घर बन जाए, तो कुछ लोगों को दर्द स्वाभाविक होता है। उनका बयान लाभ नहीं लगा कि साहब ये बाहर के लोगों को ला करके बसाया गया। मैं आज इस बात का जिक्र इसलिए कह रहा हूँ कि इस तरह की बेवकूफी भरी बातें जो लोग करते हैं वो केवल गुमराह करने का काम करते हैं। आप सब अपने अपने जिलों के DDC चेयरमैन बैठे हैं, BDC चेयरमैन बैठे हैं, पंचायतों के प्रतिनिधि हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप एक व्यक्ति का नाम बता सकते हैं जो बाहर का है जिससे जमीन दी गई है, एक व्यक्ति का नाम? तो आप इस बात को समझिए कि जो लोग इस तरह की बयानबाजी करते हैं उन्हीं के कारण 40-50 हजार बेगुनाह लोगों का खून हुआ इस धरती पर। और आपको मैं इसलिए बात कर रहा हूं, इसको समझने की जरूरत है। लोग पूछते हैं बदला क्या है, मैं कहना चाहता हूं बदला यह है कि जम्मू कश्मीर की धरती से स्ट्रीट वायलेंस पूरी तरह समाप्त हो गया, इतिहास की बातों में यह बदल गया। और किसी के डिक्टेट पर यहां के दुकान और यहां के स्कूल कॉलेज बंद नहीं होते, ये बदला। आपने ऐसी व्यवस्था बना करके रखी हुई, अंधेरा होने के पहले घर के अंदर हम प्रवेश कर जाए पता नहीं सुरक्षित बचेंगे कि नहीं बचेंगे, आपने ये व्यवस्था बना के रखी। आज 10 बजे रात को भी रेस्टोरेंट खुले हैं और जेलम के किनारे आप जाएंगे अनेक नौजवान बच्चियां बच्चे मिलेंगे जो संगीत भी गा रहे हैं, आइसक्रीम भी खा रहे हैं, ये बदलाव हुआ। तो इसलिए मैंने आपसे जानबूझ कर कहा कि आप 35,000 लोग चुने हुए प्रतिनिधि, इस तरह की भावनाओं को भड़का करके लोगों को सड़क पर लाने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं वो जम्मू कश्मीर में शांति नहीं चाहते, वो जम्मू कश्मीर के लोगों की तरक्की नहीं चाहते, इस नियत को समझने की जरूरत है। इसलिए मैंने ये बात आपसे कही। मैं आप सबको फिर से एक बार ये कहना चाहूंगा कि विलेज विद गुड गवर्नेंस ये हमारा सबका लक्ष्य होना चाहिए, हम सब मिलकर के इस पर काम करें। मंत्री जी को बोलना है इसलिए मुझे भी किससे बहुत याद आ रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि बात कहीं खत्म करते हैं। दो पक्ति कह करके, नई जमीन पता हो नया मकान भी बने,
नई जमीन आता हो, नया मकान भी बने, हमारे हिज्र का कुछ मुनफरिद निशान भी बने। तमाम हिज्र जदा लोग मेरे साथ चले, फिरा के यार के मारों का कारवां भी बने। उगा रहा हूँ नए पेड़ घर के आंगन में, कोई तो हो जो मेरे घर का साया बने, कोई तो हो जो मेरे घर का साया बने। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।